नमस्कार, संकल्प बाड़मेर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत। आज संकल्प स्टूडियो में आपसे रूबरू करवा रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी में चयनित कैला चौधरी। ग्रुप डी में उनका चयन कैसे हुआ, क्या उनकी रणनीति रही, इसके बारे में आज अपन समग्र रूप से डिस्कस करेंगे कैला चौधरी के साथ। कैला चौधरी, आज संकल्प बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज सबसे पहले आपको बधाई देता हूं ग्रुप डी में चयन की। थैंक यू। आज इस वीडियो के माध्यम से आप ये बताने की कोशिश करिएगा कि आपका इसमें चयन कैसे हुआ। बहुत सारे लाखों अभ्यर्थी ये जानना चाहेंगे क्योंकि आगामी ग्रुप डी की परीक्षा होने वाली है, उसके माध्यम से मेरा भी ये कोशिश रहेगी कि इस वीडियो से अधिक अभ्यर्थियों को इसका फायदा हो। और ज़्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि के अभ्यर्थी होते हैं, आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आपको इसी बधाई के साथ शुरुआत करते हैं कि आप अपना एक सामान्य परिचय बताएं सभी को, आपका परिचय क्या है। सर, मैं कैलाश चौधरी, पापा का नाम श्रीमान बाबूलाल जी चौधरी, मूलतः चौटन के देवसर गाँव का निवासी हूँ। मैंने 8वीं तक पढ़ाई गाँव में की, उसके बाद मैंने जोधपुर में मेरी पढ़ाई की है। मैंने 10वीं और 12वीं अपेक्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोड़ी भगदासनी जोधपुर से किया, उसके बाद मेरा बीएसटीसी में चयन हो गया था और मैंने बीएसटीसी भी किया। और उसके बीएसटीसी होते ही मैंने इसकी रेलवे की तैयारी शुरू की और रेलवे में मैंने यहीं से कोचिंग की और यहीं से मैं तैयारी शुरू की। अच्छा, रेलवे ग्रुप डी में चयन से पहले आपने कितनी प्रतियोगी परीक्षाएं दी, उसकी एक जानकारी दीजिए। सर, मैंने बीएसटीसी प्री की तैयारी की थी यहाँ आने से पहले। ठीक है। फिर मैंने कंपटीशन की तैयारी यहीं से शुरू की थी, मूलतः नौकरी लगने उससे पहले कितने कंपटीशन दिए आपने और कितने ऐसे कंपटीशन रहे जिसमें आप सफल नहीं हो पाए। सर, मेरा एक बीएसटीसी प्री था, उसमें मैं सफल हो गया और अब मेरा कोई था नहीं कंपटीशन। तो ये रेलवे ग्रुप डी पहला कंपटीशन एग्जाम है जिसमें आप चयनित हुए। हाँ, चयनित हुए, मेरा पहला कंपटीशन एग्जाम है। बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। रेलवे ग्रुप डी पहला कंपटीशन लाइफ का, पहले बीएसटी प्री एग्जाम देना, उसके बाद ग्रुप डी में चयन होना, ये बहुत उपलब्धि है। ऐसा क्या खास बात रही कि पहली बार में भी चयन हो जाता है, इसके बारे में अपन काफ़ी कुछ बातें करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जैसे बताया कि कोचिंग से हेल्प ली आपने, कौन सी कोचिंग से ली? ये अपने संकल्प क्लासेस से हेल्प ली थी। संकल्प बाड़मेर से आपने कोचिंग मेरी यही थी। अच्छा, पहली बार आपने कोचिंग की। अच्छा, एक बात बताइए कि आपका जो पढ़ने का तरीका है वो क्या, कैसा पढ़ने का तरीका कैसे रहा? सर, मैं कोचिंग में पढ़ाए गए नोट्स को पहले तो मैं मतलब जो यहाँ पढ़ाते थे उसको ध्यान से देखता था, फिर वापस जाते ही पहले उनका रिवीजन करता था। मैथ्स और रीजनिंग में तो मैं सर के नरपत जी की पढ़ाई हुई मैथ्स और विनोद जी गोदारा की पढ़ाई हुई रीजनिंग को मैं मतलब वही देखता था, इसके अलावा मैं कोई नहीं पढ़ता था क्योंकि उसमें वो सारी टाइप जो क्वेश्चन की आती थी वो उन्होंने सर ने क्लास में हमें बता दी थी, यही पढ़ता था। और फिर मैं घर जाकर इनका रिवीजन करने के बाद साइंस के लिए स्पीडी पढ़ता था और मैं लुसेंट के जो विविध के क्वेश्चन है वो भी पढ़ता था, कोचिंग के नोट्स भी मैंने सब पढ़े थे। अच्छा, गणित में मतलब आपने किसी भी दूसरी ऑथर की पुस्तक को नहीं पढ़ा? नहीं सर, सिर्फ नरपत जी की पढ़ाई हुई। नरपत जी जानी ने जो आपको पढ़ाई आपने वही पढ़ी? हाँ, वो जो क्वेश्चन लिखा है वही मैंने, वो मतलब सभी टाइप उसमें थी और एक टाइप के 5-7 क्वेश्चन थे सर के, तो वही मैंने पढ़े। मतलब वो सभी टाइप्स के क्वेश्चन आपको करवा देते थे। अच्छा, उसमें रीजनिंग में जैसे आपने विनोद जी गोदारा सर ने जो आपको पढ़ाया इसके अलावा आपने नहीं पढ़ा? हाँ, वो मतलब सर एक टाइप करवाते उसके बाद 10-15 क्वेश्चन एक टाइप करवा देते तो सारी टाइप यही क्लियर हो जाती। हाँ, तो आवश्यकता नहीं रहती थी जनरली आपको। अच्छा, विज्ञान में एसपीडी की आपने उसको? विज्ञान में सर ने पढ़ाया जो डायग्राम से पढ़ाया वो डायग्राम याद कर लिए, फिर और बायो वगैरह वो डायग्राम याद कर लिए, उसके बाद एसपीडी के आगे के 60 पेज थे उसमें सभी क्वेश्चन लगभग रिपीट हो रहे थे पुराने पेपर्स के। अच्छा, वो 60 पेपर आगे के बहुत मतलब आपका कई बार मतलब वो 60 पेज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार उसमें मतलब कुछ क्वेश्चन गलत थे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ध्यान से पढ़े तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबको आप ये कहना चाहेंगे कि वो प्रश्न या वो प्रश्न जो है साथ वो पढ़ने चाहिए? हाँ बिल्कुल सर, बहुत
उससे याद हो जाए, वो तीन चार बार पढ़ने से लगभग पूरी साइंस क्लियर हो जाएगी। एक एक बात बताओ कैलाश, साइंस में कौन सा पार्ट ज्यादा पढ़े, जिसके प्रश्न ज्यादा आए वो बताइए आप। फिजिक्स, फिजिक्स सबसे ज्यादा पढ़े, वो थोड़ी हार्ड होती है, उसमें वो मतलब फॉर्मूला वगैरह वो मतलब भूल जाते हैं, तो वो थोड़ी ज्यादा पढ़े, और उसमें क्वेश्चन भी फिजिक्स के ज्यादा आते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सामान्य ज्ञान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, सामान्य ज्ञान के प्रश्न कैसे आते हैं, और सामान्य ज्ञान में जैसे आपने लुसेंट की विविध पढ़ी, इसमें प्रश्न का लेवल क्या रहता है, जनरली कैसे प्रश्न पूछते हैं, तो अभ्यर्थी को कैसे तैयारी करनी चाहिए? सामान्य ज्ञान में सर मैंने तो मतलब अपने कोचिंग के नोट्स पढ़े थे, उसके अलावा जो विविध के क्वेश्चन थे वो सीधे मतलब मैंने पढ़ लिए, फिर वो चार ऑप्शन देखे थे, उसमें से मुझे दो तीन ऑप्शन तो अलग लग ही गए, और कई क्वेश्चन तो मुझे सीधे आ रहे थे। जैसे खेल कूद संबंधित है, दिवस है, दिवस है, और करंट के सात आठ क्वेश्चन तो मिनिमम रहते हैं। समसामयिक किससे पढ़ी आपने, समसामयिक का पढ़ने का वो क्रोनोलॉजी से पढ़ी, क्रोनोलॉजी पर ज्यादा मंथली क्रोनोलॉजी, और क्रोनोलॉजी के जो पीछे क्वेश्चन आते हैं वो तो मतलब रट ही लिए, वो मतलब आपने काफी अच्छे से तैयार कर दी थी। इसके अलावा जैसे आप बताइए परीक्षा हॉल में आपकी रणनीति कैसी थी, परीक्षा हॉल में एक अभ्यर्थी का जो पढ़ना, इतनी तैयारी करने के बाद जब वो परीक्षा हॉल में जाएगा तो वहाँ पर अपनी जो रणनीति है उस रणनीति को साबित करना होता है, तो वहाँ आपने किस तरह से कैसे अपने आप को मेंटेन किया? सर मैंने वहाँ पर सबसे पहले तो मतलब वो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन किए थे, जो करंट और साइंस वगैरह ये सभी थे, ये क्वेश्चन अटेंड किए। उसके बाद मैंने रीजनिंग अटेंड की, रीजनिंग में मेरे को जो क्वेश्चन समथिंग आ रहे थे वो मैंने सभी पहले कर लिए, फिर मैथ्स कर ली, उसके बाद दोबारा राउंड किया, जिसमें वो टफ क्वेश्चन लग रहे थे, जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन थे टाइम ले रहे थे, वो भी साथ में कर लिए, और जो टफ क्वेश्चन थे वो लगभग सॉल्व कर, दो मतलब चरण में मेरा पेपर पूरा कर, दो चरण में आपने पूरा किया। प्रथम चरण में आपने उस पर ध्यान दिया जो सरल थे, जो सरल थे और जो मुझे आ रहे थे, जो टाइम कम ले रहे थे उस पर ध्यान दिया। अच्छा, सेकंड जो आपका राउंड उसको सीट दी थी, उस पर मैं लिख रहा था कि मैं मतलब सेकंड चरण में, मेरे सेकंड चरण में जो मुझे पहले जो क्वेश्चन कर रहे हैं करने हैं वो मैं लिख रहा था सीट पे। अच्छा अच्छा, उसको आप नोट कर रहे थे, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि प्रथम चरण और सेकंड चरण में, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में समय का थोड़ा अभाव रहता है, ऐसा मैं मानता हूँ, समय पर विशेष रूप से वहाँ पर ध्यान देना होता है। अच्छा, एक बात और बताइए कैलाश, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप परीक्षा से पहले जैसे कितने समय आप घंटे अध्ययन करते थे रूम पर रहते हुए, ये कितना टाइम दिया आपने, आप पहली बार प्रथम भर्ती में कॉम्पिटिशन में चयनित होते हैं, तो मेरे हिसाब से सभी अभ्यर्थी ये जानना चाहेंगे कि कितना टाइम दिया होगा पढ़ाई करने के लिए। सर मैं अपने तीन से चार घंटे क्लास चलती थी, फिर मैं सीधा यहीं से लाइब्रेरी चला जाता था। अच्छा, लाइब्रेरी का टाइम कितना रहता था आपका, जैसे तीन से चार घंटे आप कोचिंग में रहते थे, उसके बाद लाइब्रेरी यहाँ जब सुबह क्लास लगती थी तो 7 से 11 समथिंग क्लास लगती थी। अच्छा, अच्छा। सीधा मैं लाइब्रेरी चला जाता, चार घंटे आप लाइब्रेरी, फिर छह मतलब सुबह खाना खा के आते थे, 6-7 बजे वापस जाते लाइब्रेरी से। अच्छा, और सब शाम को टाइम रहता था, सुबह जल्दी लाइब्रेरी आ जाते थे। अच्छा, यहाँ से कोचिंग से लाइब्रेरी चले जाते थे, सीधे लाइब्रेरी के बाद में फिर सीधे घर ही जाते थे, रूम जाते हैं, वहाँ पर जाके थोड़ी देर खाना नाश्ता वगैरह करते, या खाना पहले बना लेते, फिर 11-12 बजे पढ़ते, तो खाना पहले बना लेते तो फिर लेट पढ़ते थे, नहीं तो बाद में खाना बना लेते। तो ये तो शेड्यूल अगर इसको मैं इस तरह से देखूं आपका पूरा काउंट करूं, तो नींद का टाइम तो मुझे तो ऐसा लग रहा है 5-6 घंटे ही रहे थे पीछे, 5-6 घंटे सर, 7-8 महीने 5-6 घंटे सर नींद ली थी। 5-6 घंटे नींद लेना और इस तरह से अपना शेड्यूल बनाना, परीक्षा पद्धति को योजनाबद्ध तरीके से तैयार करना, यही तो सफलता का आधार रहता है। आपके परिवार में सरकारी सेवा में कितने लोग चयनित? नहीं सर, परिवार के 5-6 पीढ़ी में भी नहीं है। 5-6 पीढ़ी में पहली बार सरकारी सेवा में चयनित। आपको सरकारी सेवा में चयनित का कॉल लेटर कहाँ से आया? जूनागढ़ से, जूनागढ़ अहमदाबाद जहाँ से मेरा फॉर्म था, जूनागढ़ से मेरा। बहुत बहुत बधाई जूनागढ़ से, और आपको और आपके पूरे परिवार को संकल्प, यूट्यूब चैनल और ना केवल चैनल और चैनल से जुड़े हमारे सभी अभ्यर्थियों साथियों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू सर।